श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 17वां कालिया के कालिया देह में आने की कथा। ब्रिजवासियों को दावानल से बचाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सोने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास के निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में क्रुद का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ जी को बलि देते थे उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आया, इसीलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसीलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। इस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्षय नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनके वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय हैं। कालिया नाग की यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया और अपने सुनहरे बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहाँ से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन शुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौरभी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौंभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएगा तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौंभरी के इस शाप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसीलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियाँ सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था सो छूट कर आ गया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गौएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक रही थी। राजेंद्र, ब्रजवासी और गौएं सब बहुत ही थक गए थे, ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसीलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो, यह भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना चाहती है। तुम में सब समर्थ है, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसीलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ।
प्रभु हम मृत्यु से नहीं डरते परंतु तुम्हारे अकुतोभ्य चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं तब वे उस भयंकर आग को पी गए। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 17वां समाप्त।